हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से। तो वही मिशन पेड़ा की जो प्रश्नोत्तरी है, आज का पार्ट नंबर 6 रहेगा। हमेशा की तरह 10 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन की जो नंबरिंग है वो 51 से लेकर 60 रहेगी, यानी 10 क्वेश्चंस। तो प्लीज़ क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके एक लाइक से अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, लर्निंग गैप से क्या समझते हैं। तो ईओ एंड एओ के अंतर को लर्निंग गैप कहते हैं। ईओ एंड एओ को जो फुल फॉर्म्स है आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है, ई पाठशाला क्या है। यह पाठशाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसमें हम कुल जो बुक्स व स्टडी मटेरियल हैं इनको इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं और उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ई पाठशाला से समझ लीजिए कि जो हमारे ई लर्निंग्स वगैरह हैं, इंटरनेट के द्वारा पढ़ाई करना। ओके, नेक्स्ट हमारा है, ई पाठशाला किन किन माध्यमों से संचालित की जा रही है। जो कोविड-19 के चलते हुए जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, वो ई पाठशाला के अंतर्गत कौन कौन से माध्यम हैं जिनसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं या जो हेल्प कर पा रहे हैं उन तक जो मटेरियल है एजुकेशन का पहुंचा पा रहे हैं। तो पहला हमारा है व्हाट्सएप के द्वारा, दूसरा दीक्षा ऐप के द्वारा, और अगला है आकाशवाणी रेडियो पर जो कार्यक्रम आता है उस पर, नेक्स्ट हमारा टेलीविज़न यानी डीडी नेशनल पर जो कार्यक्रम आता है उसके द्वारा, एंड लास्ट हमारा वेबसाइट जो है यूपी पेड़ा की, www.pedayup.in, इसके माध्यम से हम ई पाठशाला का संचालन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है, निष्ठा प्रशिक्षण में कितने मॉड्यूल हैं। तो 18 मॉड्यूल हैं जो अभी दीक्षा ऐप पर हम लोगों ने प्रशिक्षण कंप्लीट किए हैं निष्ठा के, वो 18 मॉड्यूल कंप्लीट हो चुके हैं। अगला है, प्रत्येक संकुल शिक्षक को प्रत्येक माह में एक बैठक का आयोजन कहाँ करना है। ये बैठक अपने विद्यालय में करना है और सुविधा के अनुसार जो पास के विद्यालय हैं, जो मतलब संकुल विद्यालय आते हैं जिन, तो वहाँ जाकर भी कर सकते हैं सुविधा के लिए। नेक्स्ट है, निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है। तो निष्ठा का फुल फॉर्म जो है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये निष्ठा का फुल फॉर्म है। हिंदी में अगर कहें तो विद्यालय प्रमुखों एवं शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए एक राष्ट्रीय पहल। विद्यालय प्रमुखों मीन्स हेड, हेड मीन्स हो गया हेड टीचर्स। अगला है, पाठ योजना किसे कहते हैं। पाठ योजना पूरे पाठ के लिए बनाई जाती है। पाठ योजना का निर्माण जो है निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, शिक्षण योजना क्या है। देखिए, कक्षा में जब भी हम पढ़ाने जाते हैं विद्यार्थियों को, तो जो भी उन्हें पाठ पढ़ाना है संबंधित विषय का, उनको सीखने सिखाने की योजना को निर्धारित प्रारूप में लिपिबद्ध कर लिया जाता है कि किस तरह से पढ़ाना है, क्या टॉपिक पढ़ाना है, किस तरह से समझाना है, क्या हम उसमें टेलम का यूज कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का आसान तरीके से यूज किया जा सकता है। ये पूरी योजना जो है शिक्षण योजना कहलाती है। अगला, एक अध्यापक का सफरनामा। ये जो रचना है इसके लेखक कौन है। इसके लेखक रामजी दुबे हैं, जो शिक्षण संग्रह में दिया गया है। लास्ट एंड आखिरी क्वेश्चन नंबर 60 है, ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका कौन सी कक्षा के लिए है। तो ये ध्यानाकर्षण जो हस्त पुस्तिका है ये कक्षा 3 से 8 के लिए है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर आप नए हैं, और कमेंट भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।